हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अब कुछ ही दिन पहले 4 जनवरी को द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन जी की पुण्यतिथि थी, और किन्हीं कारणों से मैं कुछ वीडियो नहीं बना सका। मेरे दिल में बड़ी इच्छा थी कि मैं एक वीडियो आर डी बर्मन जी पे बनाऊं, और वो भी जो उनके आखिरी कुछ दिन थे उन पे बनाऊं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनके जो लास्ट तो आखिरी का टाइम था वो काफी खराब गुजरा था। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि द ग्रेट आर डी बर्मन, पंचमदा जी ने कहते हैं, ही वॉज बॉर्न इन 1939 में कोलकाता में, जो कि कैलकटा पहले कहा जाता था, उसमें इनका जन्म हुआ था। इनके पेरेंट्स हम सबको पता है, द ग्रेट एस डी बर्मन, और इनकी मदर मीरा देवी, जो कि बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे एस डी बर्मन, उनके सुपुर्द पंचमदा। पंचमदा के बारे में भी हम जानते हैं कि इनका नाम कैसे पड़ा। हमें जानते हैं कि इसकी दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी तो यह है कि जब पंचमदा रोते थे तो जो उनका स्केल था रोने का, वो फिफ्थ स्केल जो कि प अक्षर है, तो उससे पड़ा। और कुछ लोग कहते हैं कि जब किशोरदा के ब्रदर अशोक जी इनके घर में आते थे तो आर डी बर्मन बहुत छोटे होते थे, तो पा 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 करते रहते थे, तो पापा जो था वो पांचवा जो हमारा स्केल है, तो प, उससे इनका नाम पंचम पड़ा। तो मगर ये है कि ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिक कंपोजर, और बचपन से ही आप देखें तो इनके फादर इनसे जब पूछते थे कि तुम बड़े होके क्या करोगे, तो आर डी बर्मन कहते थे कि मैं एक तो माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा बजाता हूँ, और दूसरा कि मैं साइकिल बड़ी अच्छी चलाता हूँ, तो मैं या तो साइकिलिस्ट बनूंगा या फिर एक म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा। और दोस्तों, हुआ भी यही। कैन यू इमेजिन कि 17 साल की एज में इन्होंने पहला गाना अपना कंपोज किया, और वो गाना था ए मेरी टोपी पलट गया, फॉर द फिल्म फंटूश। तो आप सोचिए दोस्तों कि 17 साल की एज में, 1956 में इन्होंने ये गाना कंपोज किया, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर गाना इन्होंने कंपोज किया था, फिल्म थी प्यासा, और उस फिल्म के लिए इन्होंने गाना कंपोज किया था कि सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। तो दोस्तों सोचिए कि कितने महान म्यूजिक डायरेक्टर थे आर डी बर्मन। बचपन से ही इनमें वो प्रतिभा थी, और जब वो बड़े हुए तो आपको पता ही है कि इन्होंने कुछ टाइम एक्टिंग भी की, कुछ 2 फिल्मों में इन्होंने एक्टिंग की, और उसके बाद काफी लोग समझते हैं कि किशोर दा के साथ आर डी बर्मन को जोड़ते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दोस्तों, 1966 में फिल्म आई थी तीसरी मंजिल, और सारे के सारे जितने गाने थे सुपर डुपर हिट हुए थे, और उस समय रफी साहब के लिए पंचम दा ने ये गाने कंपोज किए थे। आपको याद है वो जो टाइम था शम्मी कपूर का, और एक से बढ़कर एक सुपर डुपर जो गाने हुए थे वो आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किशोरदा के साथ इनका इनका कॉम्पोजिशन रही है, इन्होंने आर डी बर्मन ने रफी साहब के लिए भी बहुत जबरदस्त गाने कंपोज किए थे। और उसके बाद तो खैर हमें पता है कि जैसे ही आराधना पिक्चर आई थी, हालांकि आराधना पिक्चर में म्यूजिक डायरेक्टर इनके फादर थे, मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक गाना जो था महा कोरा कागज था ये मन मेरा, ये गाना आर डी बर्मन ने कंपोज किया था जब उनके फादर बीमार पड़ गए थे। तो आप देखिए कि दोस्तों कितनी महान शख्सियत थे आर डी बर्मन। और दोस्तों हम जानते हैं कि 1970s तो सारा का सारा ही आर डी बर्मन का रहा। 1980s आते आते, जैसे कि मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि कुछ अब म्यूजिक जो था वो शिफ्ट हो रहा था, एक तरह से जो
हमारी बॉलीवुड थी वो एंग्री यंग मैन की तरफ बढ़ रही थी और एक रोमांटिक हीरो खत्म हो रहा था. तो दैट वॉज द फॉल ऑफ राजेश खन्ना एंड द एंट्री ऑफ अमिताभ बच्चन. तो 1980s के बाद थोड़ा सा ग्राफ नो डाउट आर डी बर्मन का कम हुआ था. ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा उनका डाउनफॉल आ चुका था. उस समय भी इन्होंने काफी स्टार किड्स के लिए गाने बनाए, जैसे कि रॉकी फिल्म थी, लव स्टोरी थी, और सारे के सारे गाने सुपर हिट भी हुए थे. मगर जैसे ही दोस्तों ये 80s का फेज आया तो उसमें नो डाउट आर डी बर्मन का जो करिश्मा था वो धीरे धीरे कम हो रहा था. और हमें याद भी है कि इनके जो बहुत अच्छे दोस्त थे जैसे कि नासिर हुसैन, जिनके लिए इन्होंने बहुत फिल्में की, काफ़ी कॉम्पोजिशन जिनकी हिट हुई थी, जैसे कि यादों की बारात और जो भी काफ़ी गाने थे, इवन सुभाष गई के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया था, और देवानंद साहब, इन सब के लिए इन्होंने किया था. मगर जैसे ही 1980s का टाइम आया और 1982 में जब फिल्म आई स्वामी दादा और वो जब नहीं चली, उसके बाद इवन देव साहब ने भी इनसे म्यूजिक करना बंद कर दिया था. तो दोस्तों ये जो फेज था ये काफी लो फेज था आर डी बर्मन का, हम सब जानते हैं. और उसके बाद 1988 में इनको पहला हार्ट अटैक हुआ आर डी बर्मन को. 1989 में ही अंडरवेंट अ बाईपास सर्जरी एट लंदन. लंदन में इनका बाईपास सर्जरी हुआ और उसके बाद 1989 में आप सोचिए दोस्तों, जैसे ही इनका बाईपास सर्जरी हुई उसके बाद इन्होंने परिंदा पिक्चर के लिए म्यूजिक बनाया. और हम सबको याद है वो गाना तुमसे मिल के, क्या जबरदस्त कॉम्पोजिशन थी आर डी बर्मन जी की. और दोस्तों उसके बाद 1989 के बाद काफ़ी सेटबैक्स इनको लगे, बिल्कुल हाशिए पे चले गए थे आर डी बर्मन. ही वॉज नॉट एबल टू कम बैक टू हिज ओरिजिनल फॉर्म. और हमें पता है कि लास्ट का जो टाइम था इनका काफ़ी मायूसी भरा था. अपने घर में बैठे रहते थे, जो इनका सेंटा क्रूज में इनका घर था वहाँ के बैल्कनी में बैठे रहते थे और बिल्कुल हताश हो गए थे. 1994 में फिल्म आई 1942 लव स्टोरी. उसमें विधु विनोद चोपड़ा ने आर डी बर्मन जी से रिक्वेस्ट की और फिर इन्होंने उस फिल्म के लिए गाने बनाए. और हमें पता है कि काफ़ी गाने चले भी, मगर वो अपनी सक्सेस को ठीक से देख नहीं पाए. ये जो आर डी बर्मन थे, इनकी डेथ से कुछ दिन पहले ये अपने घर जो था सेंटा क्रूज में, वहाँ से शिफ्ट होके नए घर में गए थे. किसी ने इनको कहा था कि ये घर इनके लिए सूट नहीं कर रहा और अपने इनके लिए लकी नहीं है. तो लास्ट फेज में आर डी बर्मन अपने नए घर में गए और जैसे ही गए, सर्दी का मौसम था और इनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई दोस्तों. और ब्रीदिंग प्रॉब्लम के दौरान 4 जनवरी का जो दिन था उसमें इनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई. इन्होंने रात को फ़ोन किया अपनी वाइफ आशा जी को, उनका बेटे और आशा जी नंदू उनका बेटा है, वो आए. उन्होंने आर डी बर्मन जी को हॉस्पिटल लेके गए, मगर हालात ऐसे थे कि इनको ऑक्सीजन नहीं मिला. ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे और जाते जाते यही बोलते रहे कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत इट इज़ हर्टिंग. तो दोस्तों जैसे तैसे करके इनको हॉस्पिटल पहुंचाया, बट इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और आई थिंक अराउंड 3:30 AM ऑन 4 जनवरी ही पास्ड अवे. इतना बड़ा एक म्यूजिक डायरेक्टर जो था वो दुनिया को अलविदा कह गया था. काफ़ी जैसे ही दोस्तों को पता चला, अमिताभ बच्चन, जया भादुरी, राखी, ये दे आर वेरी क्लोज टू पंचमदा के घर पहुंचने शुरू हो गए लोग. और पूरा माहौल जो था वो बहुत ही दुखद हो गया था. और कहा जाता है कि जया भादुरी जी एक कोने में बैठ के
गीता का पाठ कर रही थी, और राखी जो कि गुलजार जी की एक्स वाइफ थी, वो शी वॉज वेरी क्लोज टू पंचम दा, तो उन्होंने उनके बॉडी पे कलोन, जो कलोन होता है स्प्रे, वो छिड़का, जो उनका डनहिल का बड़ा उनका फेवरेट था वो छिड़का, सारी दुनिया उनके घर में आने शुरू हो गई। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा जिससे पहले कि मैं भूल जाऊं, कि ये जो गाना था लता जी ने गाया था, कुछ ना कहो, लता जी का जो वर्जन था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था तब। लता जी दिल्ली में थी जब उनको पता चला कि पंचमदा नहीं रहे, तो लता जी ने बाद में ये गाना रिकॉर्ड किया और ये गाना पंचमदा को डेडिकेट किया इन्होंने। और लता जी कहती रही कि इतना बड़ा टैलेंट चला गया, और जिस तरह से आर डी बर्मन गए, इट वॉज वेरी वेरी सैड कि वो अपने कमबैक को नहीं देख पाए। और 3 महीने बाद अप्रैल 1994 में इनकी ये फिल्म 1942 लव स्टोरी रिलीज हुई और इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मगर दोस्तों ये जो दुखद घटना थी ये हो गई, और हम द कमबैक ऑफ आर डी बर्मन नहीं देख सके, ये हम सब के लिए बहुत ही एक दुखद चीज है कि हमने आर डी बर्मन का रिवाइवल नहीं देखा। और कहते हैं लोग कि आर डी बर्मन वॉज 50 ईयर्स अहेड ऑफ हिज टाइम्स, जो उन्होंने कॉम्पोजिशंस की वो आज की जनरेशंस उसको समझ पा रही हैं, और उन्होंने किस किस चीज से म्यूजिक बनाया हम सब जानते हैं, कभी बॉटल से, कभी पानी के ड्रॉप से, कभी झाड़ू से, कभी, मतलब ही वॉज इन्फेनाइट। उनका जो म्यूजिक सेंस था, इट कुड नॉट बी, मतलब उनको उसको डिफाइन नहीं कर सकते। एक ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन, उनको हमारी ये श्रद्धांजलि है दोस्तों। वी विल ऑलवेज रिमेंबर द ग्रेट आर डी बर्मन। जय बर्मन जी।